कल हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे आइगन स्पेस एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके ऊपर बेस्ड हमने दो थ्योरम्स भी की थी। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है कि टी हमें गिवन है वी से वी कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन हमें प्रूव करना है इसने गिवन है स्टेटमेंट में देन लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि टी कोई भी वी से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ कोई भी आइगन वैल्यू है टी की देन टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर होगा। और एक बार हम मानकर चलेंगे कि टी माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर और लैम्डा को आइगन वैल्यू प्रूफ करेंगे टी की। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में देखो सबसे पहले हमने लेट कर लिया लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वैक्टर। हमें एक नॉन जीरो वैक्टर मिलेगा। हमने मान लिया वो नॉन जीरो वैक्टर है वी देन देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वैक्टर वी बिलोंग्स टू वी सच दैट क्या कि टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी होगा। ठीक है टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी किससे आया कि लैम्डा आइगन वैल्यू है और बाई डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू वी नो दैट देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वैक्टर वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी होगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टी ऑफ वी माइनस लैम्डा वी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं टी माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल्स टू जीरो और v कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है। अब यहाँ से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो t माइनस लैम्डा आई ऑपरेटर है वो एक नॉन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे मैप कर रहा है। तो इट मींस जो t माइनस लैम्डा आई होगा वो क्या होगा सिंगुलर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यही थी कि एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी नॉन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे मैप कर दे। अब यहाँ पर जो t माइनस लैम्डा आई है वो v को जो कि एक नॉन जीरो वैक्टर था उसे जीरो वैक्टर पर मैप कर रही है। तो इट मीन्स t माइनस लैम्डा आई कैसा हो जाएगा सिंगुलर दैट इम्प्लाइज t माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। ठीक है फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि अगर लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है टी की तो टी माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। ठीक है अब नेक्स्ट में हम क्या मान के चलेंगे हम अब की बार लेट करके चलेंगे कि जो टी माइनस लैम्डा आई है वो सिंगुलर है और क्या दिखाएंगे कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। अब हम लेट करके चलेंगे कि टी माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। अगर t माइनस लैम्डा आई सिंगुलर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर। एक हमें नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जिसे ये ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पर मैप करेगी। तो हमने मान लिया वो वेक्टर है v। ठीक है देन देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर v जो बिलोंग कहाँ करेगा कर्नल ऑफ t माइनस लैम्डा आई में सच दैट टी ऑफ t माइनस लैम्डा आई v इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है क्योंकि जो हमारे पास t माइनस लैम्डा है वो सिंगुलर मैप सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इट मीन्स वो किसी नॉन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे मैप कर रही है। ठीक है तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं t ऑफ v इज इक्वल्स टू लैम्डा v जहाँ पर v क्या है नॉन जीरो है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो लैम्डा होगी वो आइगन वैल्यू होगी ट्रांसफॉर्मेशन टी की और यही वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब की बार क्या मान के चले थे हम कि टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर है और हमने क्या दिखा दिया कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू होगी टी की। अब इसके साथ साथ थ्योरम में हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी थी वो था कि कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई जो कर्नल होगा टी माइनस लैम्डा आई का वो इक्वल होगा वी लैम्डा के। ठीक है कि कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू वी लैम्डा। वी लैम्डा हम पढ़ के आए थे क्या होगा आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। ठीक है तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई की।
अब देखो हमें ये वाली चीज़ प्रूव करने की, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू वी लैम्डा। अब कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा में कौन से वैक्टर्स जाएंगे? वी के वे वैक्टर्स जाएंगे जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पर मैप कर रही होगी, ठीक है ना। कर्नल में वही एलिमेंट चाहते हैं, तो हमने डेफिनेशन कर्नल ऑफ टी के डेफिनेशन से ये वाली चीज़ लिख दी। अब यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं इसे, कि वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा आई वी। सिर्फ इसे सोल्व करके हमने ये वाली चीज़ लिख दी, ठीक है। अब लैम्डा इंटू आई तो लैम्डा ही होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वी बिलोंग्स टू वी, टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी। और यही डेफिनेशन किसकी थी, आइगन स्पेस की। आइगन स्पेस किसके, आइगन स्पेस की इस लैम्डा के आइगन स्पेस की, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी लैम्डा। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई इक्वल होगा वी ऑफ लैम्डा के, मीन्स आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा के, और ये हमने प्रूफ कर दिया।